दीवार के इस पर से और नीचे। और बाकी झूले से नीचे का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार का दिखाई दे रहा है और कितने छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल साइबर अमित ब्लॉग में। और बता दें अभी कि आज हम लोगों का सातवां दिन है, मतलब कि यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से जस्ट थोड़ी देर दूर से नदी है, तो हम लोग उस नदी में चलने वाले हैं। गणपति की जय जयकार। चल रही है हम लोग, क्योंकि वहाँ से आगे गाड़ी जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए हम लोग पैदल नहीं चलते हैं। हम लोग नीचे आ चुके हैं। लोग जिल्हा पोलीस दल, जिल्हा प्रशासन, सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेकडे। देखिए भाई, आ चुके हैं एकदम नीचे। और उस दिन जो पिछले वाले वीडियो में आपको दिखाया था, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ था भाई। मैं तो ऊपर से ही मतलब वीडियो बनाया था, अभी तो बहुत नीचे आ चुका हूँ, देख सकते हैं एकदम नीचे बहुत। कृपा करें विसर्जन या ठिकाणी फटाके करू नका। या ठिकाणी माताच्या करुणेला विनंती आहे, संपूर्ण परिसर भाई। इस घाट को मैं कभी दिन में आपको दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आएगा यहाँ से, क्योंकि मैं अभी रात में आया हूँ ना, तो अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कभी आकर दिन में ये घाट को दिखाऊंगा। मंडल की श्री की मूर्ति है, बहुत ज़्यादा और भाई यहाँ से आगे मतलब जाने का एंट्री नहीं है, जाने का एंट्री नहीं मिल रहा है। और भाई फाइनली विसर्जन हो चुका है हम लोगों का, क्योंकि जाने का एंट्री नहीं था, इसलिए मैं पास में जाकर के आप लोगों को नहीं दिखाया। और लोगों से बता दे कि यार वीडियो बनाना बहुत मेहनत लगता है यार, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए यार मेरा। और फाइनली हम लोगों का जो गणेश जी का विसर्जन था वो हो चुका है, और अभी हम वापस अब निकलेंगे। और देखिए मेरे पीछे एक और यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब आ रहे हैं अभी। फाइनली रिटर्न हो रहे हैं लोग, पूरे लोग देख सकते हैं। चलिए भाई, आ चुके हैं वहाँ से दहन करके बाहर, और अब लेकर चल रहे हैं मेला दिखाने के लिए आप लोगों को। प्रवेश कर चुके हैं मेले में। आपला नामदेव आहे ना, नैवेद्य दाखवाय ना, आई चांगली देवाची। मेले में 10 रुपये का सेल लगता है हमेशा, मेले में बहुत भीड़ है देख सकते हैं। देख सकते हैं हम लोग झूले में एंट्री कर चुके हैं लोग। तो
पे है वहाँ पे आ चुके हैं। चलिए भाई झूला झूलते हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे ये वाला जो बड़ा झूला है, तो मैं इसी पे जाने वाला हूँ बड़े झूले पे। और भाई बता दें कि हम लोग एंट्री कर चुके हैं लोग झूले पे, और चलिए भाई झूले पे कैसा कैसा रहता है, क्या होता है, सब कुछ आप लोग देखिएगा। और भाई देखिए एकदम पास में पहुँच चुके हैं, और देख सकते हैं बच्चों का भाई कूदने वाला है जो झूला होता है, ये भी बच्चों का ही झूला है भाई, चढ़ के इस पर से और नीचे छिछलना है, देख सकते हैं आ चुके हैं झूले के अंदर। और कैसा एक्सपीरियंस रहता है आप लोगों को बताते हैं भाई, और बहुत बड़ा वाला जो होता है ना सबसे बड़ा झूला वो है, थोड़ा सा ऊपर लगभग आप समझ सकते हैं कि दो मंजिल होता है ना, तो उतना ऊपर अभी तक आ चुका है, देखते हैं भाई आ चुके हैं लगभग, और अभी ऊपर जाने वाला है, इतना ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हैं नीचे का व्यू कैसा दिख रहा है आप लोग खुद देख सकते हैं यार, चिल आ रहा है भाई। और जो झूले पे बैठ के नीचे देखने का जो मज़ा है ना, वो लगता है कि जैसे कि आप जहाज पे सफ़र कर रहे हो। और फाइनली झूला स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो लास्ट वाला पूरा फुल हो चुका है, अब झूला स्टार्ट हो जाएगा भाई, बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप लोग भाई इंजॉय कीजिए साथ में। और बाकी झूले से नीचे का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, और कितने छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ लग रही है, और भाई आ चुके हैं ऊपर से, फिर जा रहे हैं नीचे, फास्ट करो यार, फास्ट करो, फास्ट करो, और स्लो है अच्छा नहीं लग रहा जब ये फास्ट होता है ना। यार अभी स्लो खिला रहा है, मजा नहीं आ रहा, बाहर झूला फाइनली समाप्त हो चुका है, फाइनली आ चुके हैं मेले से घूम घूम के पूरा। और चलिए भाई इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, मिलेंगे फिर से आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, बाय बाय।